हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्रेड ऐप में आप अपना न्यू क्रेडिट कार्ड आप कैसे ऐड कर सकते हो। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, मेरे हाथ में है आपका SBI का एक न्यू क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड को मैं ऐड करना चाहता हूं अपने क्रेड ऐप में, तो आप कैसे ऐड कर सकते हो। वैसे अगर हम बात करें क्रेड ऐप की, तो क्रेड ऐप आपका एक बहुत ही अच्छा क्रेडिट कार्ड मैनेज करने का एप्लीकेशन है, जहाँ पर आप अपना ड्यू अमाउंट ये सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हो। इसके साथ ही आप अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हो या फिर बिल भरते हो, तो वहां पे आपको कैश बैक देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट्स भी मिलेंगे। उस रिवॉर्ड्स पॉइंट्स को आप बहुत ही आसानी में रिडीम कर सकते हो एज पर द क्रेडिट पॉलिसी। एंड इसके साथ ही अगर इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड नहीं किए हो, तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप इसे बहुत ही आसानी वे में डाउनलोड कर सकते हो, बहुत ही ईजी वे में। तो चलिए, आप समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हो और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आप अपने न्यू क्रेडिट कार्ड को अपने क्रेडिट ऐप में कैसे ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड, क्रेडिट ऐप को आपको सबसे पहले डाउनलोड करना है, जो कि आपको हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो वहां से आप जाके उस एप्लीकेशन को बहुत ही आसानी में डाउनलोड कर सकते हो। जब आप सक्सेसफुली वहां पे डाउनलोड कर लेंगे और लॉगिन हो जाएंगे, तो कुछ इस तरीके से आपको क्रेडिट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो उसे आपने लॉगिन कर जाना है। लॉगिन करने के बाद यहां पे आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपका जब आप ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम, तो होम का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहां पे आपने न्यू क्रेडिट कार्ड ऐड करना है या फिर जोड़ना है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, कार्ड्स का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आपने सिंपली कार्ड्स पे क्लिक कर देना। आप जैसे ही कार्ड्स पे क्लिक करेंगे, तो एक ऑप्शन यहां पे देखने को मिल रहा है ऐड कार्ड का, जो कि आपको हाईलाइट हो रहा है, तो सिंपली आपने ऐड कार्ड पे क्लिक कर देना। आप जैसे ही ऐड कार्ड पे क्लिक करेंगे, तो यहां पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है ऐड योर क्रेडिट कार्ड। तो यहां पे आपने अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी नंबर है, यहां पे आपने लिख देना है या फिर टाइप कर देना। तो चलिए, यहां पे मैं अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी नंबर है वो टाइप कर देता हूं। तो क्रेडिट कार्ड का नंबर जो है वो बहुत केयरफुली टाइप कीजिएगा, यहां पे कोई भी डिजिट मिस्टेक मत कीजिएगा। आप जैसे ही इस क्रेडिट कार्ड को यहां पे वेरीफाई करेंगे, तो यहां पे आपको एक मैसेज भी आएगा कि हाँ, आपका जो कार्ड है वो सक्सेसफुली ऐड कर दिया गया। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, ये मैंने कार्ड के जो नंबर हैं वो डिटेल यहां पे टाइप कर दिया। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना। आप जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, तो एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, कार्ड की एक्सपायरी और ईयर, यहां पे आपने वो भी टाइप कर देना। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना। आप जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, तो यहां पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है एंटर द नेम ऑन कार्ड, मतलब आपके क्रेडिट कार्ड पे क्या नाम है वो आप टाइप कर दीजिए। तो जैसे कि ये देखिए, मेरा जो भी नाम था यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक कर दिया, आपने भी प्रोसीड पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, वी विल डिपॉजिट 1 रुपी ऑन योर क्रेडिट कंप्लीट वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर देना। आप जैसे ही वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे, आपने कुछ सेकेंड्स का वेट करना है। आप जैसे कुछ सेकेंड्स का वेट करेंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि आपकी जो ईमेल आईडी है वो यही है, यही, तो आपने यस पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आगे आप जैसे ही बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, योर क्रेडिट कार्ड इज रेडी, मेक योर पेमेंट राइट नाउ, मतलब अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो यहां पे आप पेमेंट कर सकते हो। बट मैं यहां पे सिर्फ आपको बता रहा हूं कि आपने कैसे आप अपने न्यू क्रेडिट कार्ड को ऐड कर सकते हो। तो आपका जो कार्ड है मेरा वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो यहां पे कुछ इस तरीके से सक्सेसफुली यहां पे आप देख सकते हो, योर क्रेडिट कार्ड इज रेडी, मतलब आपका जो कार्ड है वो ऐड हो चुका है। तो यहां पे पे लेटर पे क्लिक कर देना है। अगर आपने कार्ड का पेमेंट करना है, तो वहाँ पे पे नाउ पे क्लिक कर सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे बाद में करना है, तो मैंने पे लेटर पे क्लिक कर दिया। उसके बाद पे इसको और थोड़ा सा ऊपर करेंगे, तो यहाँ पे आपको मेरे कार्ड का जो मैंने अभी ऐड किया वो भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं SBI FBB स्टाइल अप यहाँ पे कार्ड देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो मेरा क्रेडिट कार्ड है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है आपके क्रेड ऐप में। सो कुछ इस तरीके से इन स्टेप्स को फॉलो करके या फिर अप्लाई करके आप भी बहुत ही आसानी में आप क्रेड ऐप में अपना क्रेडिट कार्ड जो नया आपको मिला हुआ है उसे ऐड कर सकते हो या फिर जोड़ सकते हो। फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है या फिर डाउट है, तो प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिए। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, अपने दोस्त शमशाद अली को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।